छतरपुर में ग्राम पलौठा शासकीय भूमि खसरा नंबर 341 से निकला बरसों पुराना आम रास्ता भी भूमाफियाओं ने विक्रय कर किया बंद। शासकीय जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कराने और प्लांटिंग कर प्लॉट विक्रय करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि ग्राम पलौठा के ग्रामीणों ने आज अनुविभागीय दंडाधिकारी UC मेहरा को शिकायती ज्ञापन सौंप कर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की है। पलौठा ग्राम के निवासी बालकिशन कुशवाहा ने जानकारी देते बताया कि विगत एक सप्ताह से लगातार वह अतिक्रमण रोकने के लिए आवेदन जिला प्रशासन को देते चले आ रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा लगातार अतिक्रमण करते हुए प्राचीन दे हरदेव स्थल को भी ध्वस्त करते हुए आम रास्ता भी बंद कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शंकरगढ़ पूर्वा प्राथमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नवागत जिला कलेक्टर और STM UC मोहरा से आम रास्ता खोले जाने और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने के मांग की है। उक्त गंभीर मामले में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन एंटी माफिया अभियान के तहत क्या कार्रवाई करता है, ये बड़ा सवाल है। मेरा नाम रामलाल कुशवाहा है। कहां से आए? मैं राजनगर बाईपास रोड पलौठा ग्राम पलौठा से हूं। जी, आज कहां आए? आज मैं तहसीलदार SDM साहब के पास में एक शिकायती आवेदन लेकर आया हूं। क्या शिकायत है? वो ये शासकीय भूमि है, भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और उस पर अतिक्रमण करने के बाद प्लांटिंग करके बेचा जा रहा है। अच्छा, और जो आम रास्ता है, जो शासकीय रास्ता है, जो राजनगर बाईपास रोड है, वो भी शासकीय नहीं है। उसके बावजूद जो हमारा शासकीय रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और जो हमारी प्राचीन वो बेहर थी उसका जीर्ण छीण करके उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है, निवेदन है कि उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। जो हमारे शासकीय भूमियों पर कब्जा किया जा रहा है उसको अपने अधीन ले शासन, और उस पर कोई भी जैसे शासकीय स्कूल हो और जैसे कार्य जो जनपद पंचायतें हो, जो भी उनको उचित लगें उसका सौंदर्यीकरण करा करके उनको सुरक्षित किया जाए, ताकि जो हमारी शासकीय भूमि। SDM साहब ने क्या बोला है आज? SDM साहब ने बोला है तो उनका ये कहना है कि आप जाइए, ब्रजपुर मंडल तहसीलदार के लिए बोला है, बोले कि उनसे मिलिए और आपका कार्य होगा, क्योंकि बच्चों की समस्या है, वृद्ध लोग जाते हैं, उनको जो फोन लाइन से जाते हैं तो परेशानियाँ जाती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम होगा। हम लोगों की जन्म से निकलने वाली रास्ता है जो 339 में से खसरा नंबर 339 में ग्राम पलौठा में जी शासकीय नंबर है जी, उसको भूमाफियाओं द्वारा उसमें प्लाटिंग कर दी गई है और रास्ता अवरुद्ध कर दी गई है, और जो वहाँ पे पुरानी बेहर बनी हुई थी जन्मों साल पुरानी, और देवस्थान भी था, वो भी बंद कर दिया गया जी, उसको पूर दिया गया, JCB चला दी गई। हम लोग 4-5 दिन से घूम रहे, कोई सुनाई नहीं हो रही है। आज कहाँ आए थे? आज हम SDM साहब के यहाँ आए हैं और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि पटवारी कोई कार्रवाई करे, उसमें उनको ब्रजपुरा मंडल में तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन देने और जा रहे हैं जी। पटवारी से आप लोगों ने शिकायत की? अभी पटवारी साहब से कोई शिकायत नहीं हुई, वो मिल नहीं पा रहे हैं। कौन है पटवारी? राम अवतार अहरवाल जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कल तो आए थे 20-25 लोग, कल बेटा फटकते रहे, कल नहीं आया कोई फिर आवेदन देने के लिए, तो आज काफ़ी लोग कम गए हैं जी। हम सोच रहे हैं सरकार से विनय करते हैं कि हम लोगों की रास्ता खुलवा दी जाए, क्योंकि वहाँ से फोर लाइन से जो निकलते हैं बच्चे वहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए कम से कम 50 बच्चे निकलते हैं जी। अब वो फोर लाइन से आते सर रोज के रोज एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बड़ी विडम्बना वाली बात है, और कोई कार्रवाई नहीं हुई अगर तो फिर समस्या बहुत ज़्यादा आगे, हम लोग और आगे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।